Yes? उमर हसन और उसकी फैमिली के बारे में एक खबर लेकर आया हूँ। क्या, कैसी खबर? हाँ, उनकी बेटी ने खुदकशी की कोशिश की है और वो इस वक्त अस्पताल में है। वाकई? हाँ जी, मेरे मुखबिर ने मुझे बताया कि उमर हसन जो है वो अपनी मर्जी से उसकी शादी करना चाह रहे थे, जिसके रिएक्शन में ये सब कुछ हो गया। कंडीशन कैसी है उसकी? बहुत बुरी, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, और मुझे तो लगता है कि शायद बचे भी नहीं। हॉस्पिटल कौन सा है? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची। क्या हुआ डॉक्टर साहब? देखिए, ये सुसाइड केस है और इस तरह के केसेस को डील करते हुए हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है ताकि मामले की पूरी इंक्वायरी हो सके। लेकिन चूंकि आपकी बेटी की हालत क्रिटिकल थी, इसलिए हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। स्टमक वॉश हो रहा है और अमूमन इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। अगर सुबह तक होश आ गया तो सर्वाइव कर जाएगी, वरना देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको भी ज़हनी तौर पे हर खबर के लिए तैयार रहना होगा। कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी को ठीक हो जाएगी, कह रहा हूँ। जी बताइए, हॉस्पिटल से क्या खबर है? डॉक्टर सुमक वॉश कर रहे हैं उसका और बच्ची की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक काम करें, ये न्यूज़ जरा लीक कर दें सारे अखबारों को और प्रेस को और सारे ब्लॉगर्स वगैरह। ये बड़ा मुश्किल काम आपने मुझे बताया है, क्योंकि देखें, आपको ये पता है कि उमर हसन साहब जो है वो बड़े असर सुख वाले आदमी हैं, वो अपने ताल्लुकात पे इस बात को दबाने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप कहती हैं मुझसे, तो मैं ये बात अपने तौर पर उनके खानदान में फैलाने की कोशिश करता हूँ। आपसे जितना कहा जाता है उतना करें, मुझे मत बताएं कि कौन किसको जानता है किसको नहीं जानता, समझ रहे हैं आप? मुझे ये न्यूज टीवी पर चाहिए, और वैसे भी न्यूज एक दफा लीक हो जाती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। जस्ट डू एज आई से। ठीक है, थैंक यू।